हमने नवरात्रि के मेले और रामनवमी के मेले को किसी प्रकार से रोका नहीं है, लेकिन सावधानी के लिए कल ही रात्रि को मैंने सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ मेरी भी बातचीत हुई है। मैंने उनके साथ सबसे सीधे बातचीत भी की है, उनकी इसके बारे में अवेयर रहने के लिए कहा है। 20 को हम लोग फिर इसकी समीक्षा करेंगे, टेम्परेचर और बीमारी की स्थिति का अवलोकन करने के अनुसार फिर हम लोग इसमें निर्णय लेंगे, क्योंकि रामनवमी 2 अप्रैल को है जी। अभी हम लोग आज 16 मार्च में है, तो हम लोग अभी से 15-16 दिन पहले की किसी भविष्यवाणी को अभी न करते हुए हम उस समय इसके बारे में पर अयोध्या में मेला 25 तारीख से शुरू हो जाएगा। 25 से नवरात्रि प्रारंभ, अभी ये चैत्र जो वासंतिक नवरात्र है ये प्रारंभ होगा, रामनवमी 2 अप्रैल को पड़ेगा। हम लोग उसके अनुसार 20 को फिर हमारी एक बैठक उच्च स्तरीय बैठक होगी, पूरे प्रदेश के अंदर इनको किया गया है, हमारे सभी मंत्रीगण हर एक जनपद का और सीमावर्ती क्षेत्रों का भी भ्रमण करने के लिए, इनके निरीक्षण करने के लिए निकले हुए हैं। बॉर्डर क्षेत्र में भी हम लोगों ने पूरी मुस्तैदी की है, हर एक जगह हमारी कार्रवाई, बॉर्डर क्षेत्र है, एयरपोर्ट है या फिर रेलवे स्टेशन है, बस स्टेशन है, मार्केट है, हर एक जगह हम लोगों ने इसकी व्यवस्था की है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हम कोरोना वायरस को स्प्रेड होने से रोकेंगे।